रंग काट का एक दौर होता था, लेकिन आज रंग काट बिल्कुल लुप्त हो गए। लेकिन रागनी रंग काट के दोबारा से पुनर्जीवित करने के लिए मैं आपकी मुलाकात कराता हूं ठेके भाई मनोज उर्फ लाली ठेकेदार से। मनोज जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपने जो आज ये रंग काट प्रोग्राम रखा। आपके भविष्य में क्या योजनाएं हैं? भविष्य में यही योजना है कि कलाकार जो है अपना हुनर दिखाए, और रंग काट जो है पिछले वाले रंग काट है जो पहले गाया, रणबीर है, बाली है, मास्टर जी थे जो उन्होंने गाया, मैं वही एक बार संस्कृति दोबारा जीवित करना चाहता हूँ जो उन्होंने पहले रंग काट किए हैं। तो आज जो आपने जो दौर शुरू किया, जो पहले राजेंद्र, रणवीर, सुनील और मास्टर पाले के जो रंगकाट होते थे, आप उसी दौर को एक बार पुनर्जीवित करना चाहते हो? बिल्कुल, मेरी यही इच्छा है। कलाकार अपनी जो कला है वो नए रंग, नए मतलब तरीके से जो गाना है उसको इम्प्रूवमेंट करे और जनता का मनोरंजन ज़्यादा से ज़्यादा करे, करने की कोशिश करे। तो आगे भी आप इसी तरह के रंगकाट के कार्यक्रम कराते रहोगे? बिल्कुल बिल्कुल करते रहेंगे। रागनी कंपटीशन हुआ करते उसमें जो रंगकाट हुआ करते, आज का दौर तो बिल्कुल ख़त्म हो चुका। आजकल तक क्या करते हैं आप, इसमें सेटिंग करके दो दो बात गानी है, गौशाला हो चाहे धर्मशाला हो चाहे मंदिर हो, उनमें गा के अपना पार बोलते हैं। रंगकाट का कोई महत्व नहीं रह गया, रंगकाट करना लोग भूल गए बिल्कुल। आज आपने प्रोग्राम देखा, उसी से पता लगा हुआ हम रंगकाट होते भी थे और होते भी रहेंगे आगे। तो आप बधाई के पात्र हो ठेकेदार साहब, भविष्य में आपके और क्या कार्यक्रम है? भविष्य में यही कार्यक्रम है, जितनी रागनियों पर जो आज की संस्कृति है हमारी लुप्त होती जा रही है, मैं दोबारा इसको जीवित करना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये जो नए आजकल नई जो लड़की आ रही है इनसे ज़्यादा प्रभावित हुई संस्कृति, उसके अवेज में जो हमारी पुरानी संस्कृति वो खत्म होती जा रही है, और जो नई संस्कृति आएगी वो इन रागनियों को सुनेगी तो जिंदा रहेगी पुरानी संस्कृति वाली। बहुत बहुत धन्यवाद, बिलसा पर प्रोग्राम करवाया, आप बधाई के पात्र हो। जो संस्कृति एक बार मर गई थी, क्योंकि अब तो जो साज था वो इस टाइप का खत्म हो गया, लेकिन आपने पुराने दौर को पुनर्जीवित किया, आप सभी बधाई के पात्र। आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे, आप इस प्रोग्राम ने टीवी पर चलाओ, बहुत बढ़िया प्रोग्राम आपने, अच्छा लगा था भाई, अच्छी बात है, आप इस प्रोग्राम ने कहीं भी चलाओ। और ये प्रोग्राम आपके पास किसी के फोन आओगे और वो ये बताओगे अच्छा प्रोग्राम रहा था, हम अच्छे आदमी नहीं थे भाई प्रोग्राम नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत खर्चा लगाया।